हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज है संडे, सो आज का स्पेशल लंच हमने बाहर बुक करवाया था क्योंकि मैंने सोचा कि हाँ, वर्कआउट करके आप सारे थक गए होंगे, सो एक लंच तो बनता ही है अच्छा वाला। चीट डे, आपका चीट डे हो जाएगा आज का दिन। सो हमने बारबेक्यू टाइम्स में बुक करवाई थी अपनी दोपहर का स्लॉट, और ये बारबेक्यू टाइम्स न्यूली ओपन हुआ है गुड़गांव 51 सेक्टर में। सो इसकी जितनी भी लोकेशन से इंफॉर्मेशन है या इनकी स्लॉट की बुकिंग है ए टू जेड, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिए। और वेज नॉन वेज का क्या प्राइसिंग है ए टू जेड, आपको सारा कुछ वहीं से मिल जाएगा। सो हम पहले यहां के एम्बियंस की बात करते हैं। सो जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया तो जहां तक नज़र जा रही थी, दूरों दूर तक आपको सीट्स ही सीट्स दिखेंगी। सो इसका मतलब है ये है कि ये सच्ची बात है कि ये अभी तक का नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा बारबेक्यू रेस्टोरेंट है। तो देखने में ही इतना अच्छा लग रहा था, इतना ह्यूज था। सबसे पहले इनके लाइव काउंटर की बात करूँ तो सबसे पहले इनका आता था एक बार है, बार भी काफ़ी बड़ा था अब तक के जितने भी बारबेक्यू में मैंने देखा, सबसे बड़ा बार तो मेरे को इनका ही लगा है। तो बार के बाद यहाँ पे इन्होंने देखो ग्लास कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट करके रखे हैं, मतलब अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा एम्बियंस था इनका और काफ़ी ह्यूज था। तो लाइव काउंटर में सबसे पहले लाइव काउंटर में जो था वो पास्ता और पिज़्ज़ा और मिनी बर्गर्स का था। पिज़्ज़ा हर तरह का था, नॉन वेज वेज और पास्ता भी, रेड सॉस वाइट सॉस, और यहाँ पे सैलेड भी हर तरह का सैलेड था जो भी आप देख पा रहे हो। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट करा था कि आप खुद दिल करेगा सब कुछ खाने के लिए। और उसके बाद जो उनका नेक्स्ट, इन्होंने ऐसे मेन्यू बना के ना शोकेस करा हुआ था कि आज का मेन्यू क्या है, जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो देखने में कि आज क्या है और क्या नहीं है। सो डेजर्ट में तो इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, मैं आपको क्या ही बोलूँ। डेजर्ट तो हम तो वैसे भी इंडियन है, डेजर्ट के बिना तो हमें कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। तो डेजर्ट में यहाँ पे मालपूड़े थे, तो हमारे पंजाबी में मालपूड़े बोलते हैं, यहाँ पे मालपोहे बोलते हैं। तो आइसक्रीम के काउंटर थे। उसके बाद ये बड़ा यूनिक सा मेरे को कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे एक ना उन्होंने लाइव काउंटर बना रखे थे, जैसे है ढाबा का तड़का, तो यहाँ पे मतलब लाइव था, सब कुछ लाइव था। खुद देख पा रहे होंगे कि जो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, और कितने हम्बल थे, वो खुद ही बता रहे हैं वैसे बना रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ कर रहे हैं। सो अभी के लिए मैं तो आपको जस्ट ऐसे ही दिखा रही हूँ इनका मेन कोर्स दिखा रही हूँ, बट बाद में मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगी कि इनके मेन कोर्स में क्या क्या था, वेज में क्या था और नॉन वेज में क्या था। सो ये इनका लाइव सेक्शन है। सो आगे अभी इस टाइम हमने दोपहर को 12 से 2 बजे का स्लॉट बुक करवाया था, तो उस टाइम इतना रश नहीं था क्योंकि थोड़ा हम जल्दी आ गए थे वीडियो बनाने के चक्कर में कि हमें थोड़ा जल्दी जाना है, हमें इतना क्राउड नहीं चाहिए। सो हम जल्दी आ गए थे वहाँ पे, तो तब इतना क्राउड नहीं था, इसलिए हम इतने अच्छे से आपको बता पा रही हूँ मैं। सो वहाँ पे थोड़ा सा शोर भी था क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो शोर तो होगा ही वहाँ पे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ। ऐसे आपको समझ नहीं आ पाता कि जो भी मैं आपको ब्रीफली इसके बारे में बता पाती वो आपको समझ नहीं आता। यहाँ पे बर्थडे की प्रिपरेशन भी चल रही थी, एक छोटी सी बच्ची का बर्थडे भी था यहाँ पे। सो लाइव काउंटर में और भी था, एक चार्ट काउंटर था, बहुत प्यारा चार्ट काउंटर उन्होंने बना रखा था ए टू जेड हर तरह की। यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छा और काफ़ी बड़ा है, इसके सेंस सही का है कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा बारबेक्यू बुफे रेस्टोरेंट है ये। और यहाँ पे मेरे को लगता है 300+ लोग आराम से आ सकते हैं, आराम से यहाँ पे कोई फंक्शन भी करवाना वो भी करवा सकते हैं। मेरे पीछे यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है और यहाँ पे लाइव काउंटर बहुत ज़्यादा है। हमने अभी तक सारे बारबेक्यू चेकआउट करे हैं, मेरे को लगता है मैंने सारे करे हैं, पैरेट्स ऑफ ग्रिल, बारबेक्यू नेशन और एब्सोल्यूट बारबेक्यू ग्रिल करा है। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा ये कि यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी है, स्टार्टर्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मेन कोर्स में बहुत है, डेजर्ट में बहुत है। तो मैंने हर किसी को की अपनी अपनी कोई सिग्नेचर डिश है, हम चेकआउट करेंगे कि इनकी कौन सी है। मैंने ट्राई करा कि मैं हर कुछ ट्राई करूँ। हमने एक वेज लिया और एक नॉन वेज लिया है क्योंकि आप दोनों चेकआउट कर सके, वेज और नॉन वेज दोनों ट्राई कर सको, आपको दोनों का आइडिया हो जाए कि वेज में क्या है नॉन वेज में क्या है। मेरे हस्बैंड नॉन वेज ले रहे हैं और मैं वेज ले रही हूँ। हमारे साथ हमारा बेटा भी आया, तो बेटे के लिए इनका ये है कि बच्चों के लिए अलग से प्लेट देते हैं जिसमें वो पिज़्ज़ा स्नैकिंग जो भी बच्चे खाना पसंद करते हैं तो वो उनको खुद से देते हैं, अपनी कोई सरदर्दी नहीं है। तो यहाँ पे लाइव काउंटर में मैंने देखा लाइव काउंटर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे चाट का अलग है, यहाँ पे कॉफ़ी का भी काउंटर है और बार का भी काउंटर है और लाइव किचन भी है यहाँ पे, जहाँ पे आप खुद देख के कुछ भी पिक कर सकते हो। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक चीज करी है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिशेज है, चाहे वो मेन कोर्स हो, चाहे वो स्टार्टर्स हो, चाहे वो डेजर्ट हो, इतने में तो मेरे को लगता है सारे बारबेक्यू की सारे बारबेक्यू। तो मैंने अभी तक जितने भी बारबेक्यू चेक करा जिनका उनका टोटल मेन्यू, मेरे को लगता है ये ना कुछ
स्टार्टर्स में ही दे रहे हैं। तो अब तक के जितने भी बारबेक्यू बूफे में मैंने ट्राई करा, सबसे ज़्यादा इनके मेन्यूज़ है। तो हम धीरे धीरे ट्राई करते हैं। और यहाँ पे हमने डाइनिंग नहीं किया, हम लंच पे यहाँ पे आए हैं। तो हम देखते हैं, लंच पे इतना क्राउड नहीं है, पा सकते हो आराम से। तो हम अभी चेकआउट करेंगे। हमारा बारबेक्यू भी लग चुका है, हमारा बारबेक्यू भी लग चुका है। अब हम धीरे धीरे, मैं आपको अपडेट करता हूँ, सारा कुछ ट्राई करके बताती हूँ कि कैसा है। ये है इतने सॉफ्ट है कि निकालते निकालते ये है मेरी प्लेट रेड प्लेट, और ये मेरे हस्बैंड की प्लेट नॉर्मल है। ट्राई कर रहे हो ड्रैगन चिकन? ये क्या? प्रॉन्स का दो चिकन। Thank you. अच्छा, सबसे अच्छा अब तक क्या लगा आपको? इनका चिकन बहुत जूसी है, लाइक अलग टेस्ट है चिकन का। दुनिया की हो ना, फ्रेंच फ्राइज का हो आप अपने? आओ 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 यार, सोना सोना यार, मेरा फोटो खींचो यार, दोस्त छोटे यार नहीं, मेरा फोटो खींचो मेरे छोटा दोस्त। कलेजी, कीमा कलेजी, लाइट टेस्ट है इसका, ज़्यादा ना ही ज़्यादा वो है, स्पाइसी है तो ना ही ज़्यादा वो है, लाइट है, सिंपल सा टेस्ट है। आप बता दो ये क्या क्या है? ये पाव है, कोरियन स्टाइल में है। ये पाव का वेज है, ये नॉन वेज है, इसके अंदर इसका ये वेज प्लेट बना दो। हाँ जी, ये ट्राई कर लिया, कोई और? सबसे यूनिक चीज़ मेरे को यहाँ पे ये लगी कि यहाँ पे कॉफ़ी और चाय काउंटर भी था यार, और क्या चाहिए?
इतना यम्मी टेस्ट था कॉफ़ी का और चाय का, मैंने तो बहुत अच्छे से दो दो कप पिए क्योंकि बहुत टेस्टी थी। उसके बाद हमने पाव भाजी ट्राई की, चाय के साथ जो ब्रेड्स वगैरह थी, ब्रेड स्टिक्स थी, पिज्ज़ा था, हमने सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई किया क्योंकि आप सब कुछ एक टाइम पर नहीं खा पाओगे। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब लाइव काउंटर पर जाके फिर हमने वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने एक टू जेड सब कुछ दिखाया कि वहाँ पर अभी क्या है, आपको देखिए क्या क्या वैरायटी है वहाँ पर। दाल मखनी, मिक्स वेज नीर लबाब दाल, पालक कोफ्ता करी, पिंडी चना मसाला, सब्ज का मिक्स वेज, राजस्थानी कड़ी पकौड़ा, फ्राइड राइस और गार्लिक सॉस डम्पलिंग, चिल्ली गार्लिक नूडल्स, दम बिरयानी, बटर चिकन, मटन रारा, फिश टिक्का। वाओ, ये लुक कैसा, तो कितना अच्छा बस रहा है, इसको खाने को भी दिल नहीं कर रहा था। और उसके बाद हमने मालपूड़े ट्राई करे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत क्रिस्पी थे। जलेबी ट्राई करी है, डेजर्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन थे यहाँ पे। और ये देखिए हलवा, गुलाब जामुन, आप खुद बताओ क्या ट्राई कर सकते हो। अभी इंसान ही एक टाइप, इतना कुछ आप नहीं खा पाओगे। तो कई चीज़ें बस देख देख के ही आँखें भर रही थी। रसमलाई भी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मैंने सिर्फ रसमलाई खाई क्योंकि मेरी फेवरेट है वो। तो यहाँ पे पेस्ट्रीज भी थी, सैलड, फ्रूट सैलड भी था, बहुत सारे ऑप्शन थे, केक था, कुछ भी आप ले सकते हैं, बट आप एक टाइम इतना कुछ नहीं खा पाओगे। ब्राउनी भी थी, ब्राउनी भी बहुत यमी थी, इतनी सॉफ्ट थी ना, मतलब आप वेज ले लो चाहे नॉन वेज ले लो, सारा कुछ इतना सॉफ्ट था और इतना यमी था। और लाइव सेक्शन था, आपको आइसक्रीम बना के दिखा रहे थे। सबसे अच्छी टेस्ट थी इसका गुलकंद का टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा यमी था टेस्ट इसका। तो मेरे बेटे को स्पेशली आइसक्रीम बहुत पसंद है, हस्बैंड और बेटे को, उन्होंने आइसक्रीम तो दो दो बार खाई, इसका बहुत अच्छा टेस्ट था स्पेशली गुलकंद। और मिक्स एक मिक्स आइसक्रीम बना के दे रहे थे, उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और कौन कौन से फ्लेवर हैं? आइसक्रीम के बाद यहाँ पे भैया खुद पिज़्ज़ा बना के दिखा रहे थे, इतने अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा बना के दिखा रहे हैं। उन्होंने पहले पूरी प्रिपरेशन करके रख ली थी कि जैसे कोई ऑर्डर देता है तो उसके अकॉर्डिंग वो बनाते थे, फ्रेशली बेक करते थे उसी टाइम। और यहाँ पे पिज़्ज़ा के अलावा सैलड भी था, यहाँ पे नॉन वेज, वेज पिज़्ज़ा और सैलड भी वैसा बना के दे रहे, जैसे डाइट पे कोई है तो उसके लिए वैसा सैलड भी था वहाँ पे, जो कि हेल्दी ऑप्शन होता है। सो पास्ता, बर्गर, सैलड और यहाँ पे फ़िश भी मिल रही थी, फ़िश फ्राई भी मिल रही थी यहाँ पे नॉनवेज के लिए। तो मैं तो नॉनवेज नहीं लेती हूँ, बट
वेज पे भी उतनी ही ज़्यादा, वैसे बारबेक्यू में मैंने देखा है नॉन वेज पे ज़्यादा वैरायटी होती है, वेज पे कम होती है, पर यहाँ पे जितनी वेज में नॉन वेज में थी उतनी ही वेज में भी वैरायटी थी। तो किसी भी तरह का वो नहीं था कि हाँ वेज वाले तो ऐसे ही होके आ गए, तो वेज में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी जैसे कि आप देख रहे हो। और आगे आ गया सबका फेवरेट चाट काउंटर, और यहाँ पे भल्ला पापड़ी चाट थी, दही भल्ला पापड़ी चाट थी, और मैंने दही भल्ला पापड़ी चाट खाया, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी था। और ये पाव भाजी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट पाव भाजी जैसे हम मेरे को लोकल में मिलती है मेरे को वैसा अच्छा नहीं लगा, बट हाँ ठीक था, अच्छा था, इतना नहीं कह सकते हो। तो पाव भाजी के अलावा रोल्स भी मिल रहे थे यहाँ पे, जैसा आपको चाहिए, मेरे को स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया। सो वैसे जैसे स्ट्रीट पे स्ट्रीट फूड का टेस्ट मिलता है वैसा तो नहीं था, बट हाँ ये नहीं बोल सकते कि बुरा था, बहुत अच्छा था, पर मेरे को थोड़ा सा वैसा लगा कि जैसे हमें स्ट्रीट पे मिलता है वैसा टेस्ट नहीं मेरे को लगा, बट अच्छा था। गोलगप्पे का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। पानी पूरी हाँ मेरे को वो अच्छा लगा, कुलचे थे यहाँ पे, पानी पूरी था, ए टू जेड सारी वैरायटी थी, मतलब आप नहीं खा पाओगे यार इतना कुछ एक टाइम पे। सो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कैप्चर में। ये देखिए पानी पूरी सबका फेवरेट, आपको सेल्फ सर्विस यहाँ पे करनी पड़ेगी, आपको खुद जाके लेके आना पड़ेगा। सो यहाँ पे मोमोज़ का काउंटर था, मोमोज़ तो बहुत, डंपिंग्स तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, और कॉफ़ी का काउंटर सबसे अच्छी तो मेरे को यही चीज़ लगेगी, मेरे को तो, मैं तो कॉफ़ी लवर हूँ, मेरे को कॉफ़ी तो बहुत अच्छी लगती है, कॉफ़ी और चाय लवर हूँ मैं तो ये चीज़ मेरे को यूनिक लगी, कॉन्सेप्ट भी यूनिक लगा, अच्छा लगा मेरे को। सो मेरे को आप अपनी फीडबैक भी ज़रूर देना कि आपको कैसा लगा। आप अगर मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, हाँ मेरे को अच्छा लगा, आप ज़रूर जाइए, अपने फैमिली के साथ जाइए, अच्छा जाइए। तो बाकी मैं आपको सारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जितनी भी आपको नॉलेज चाहिए इस बारे में। टू मच यूमी पान आइसक्रीम है गुलकंद के साथ, ऑसम। यम्मी है, यम्मी अनी अच्छे यूनी। If you like my video, so do like, share and subscribe my channel. It will be very helpful for me, ताकि मैं आगे और अच्छी वीडियो डाल सकूँ। तो मैं सभी को रिकमेंड करूँगी आप जाइए, ज़रूर जाइए, फैमिली के साथ जाइए। और इसका जितना पर पर्सन जो भी हमारा आया, जो भी जितना भी इसका प्राइजेज हैं, वो मैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूँगी। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।